फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ साबूदाना वड़ा की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और बिल्कुल फूटते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आने वाली रेसिपी सबसे पहले पहुँचेंगी आप तक। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं साबूदाना वड़ा। देखिए फ्रेंड्स, साबूदाना वड़ा बनाने के लिए साबूदाने को मैंने थोड़ी देर पहले, करीबन 2 घंटे पहले पानी में डालकर भिगो लिया है और वो इस तरह से हो गया है। थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं हम वड़ा बनाने के लिए, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालते हैं पटेटो, बॉइल्ड पटेटो मैश करके हम इसमें मिला देंगे। फिर ये मूँगफली के दाने हैं, ग्राउंड नट, इनको हमने रोस्ट करके और इनका मिक्सी में मिक्सचर बना लिया है। और ये थोड़े से रोस्टेड पीनट्स में मैंने अदरक और हरी मिर्च, इनको पीस लिया है अच्छी तरह से, ताकि वो बारीक हो जाए, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से पीनट्स डाल दिए। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा दही, हम देख लेंगे ज़्यादा नरम होगा तो हम दही कम डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, फलार वाला सेंधा नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन ये हमारे नॉर्मल नमक से सेंधा नमक थोड़ा कम खारा होता है, इसलिए ज़्यादा लगता है। थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा, यहाँ मैं कच्चा जीरा ही डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो जीरा को रोस्ट करके और उसका पाउडर बना के वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे। और इनको अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट मिक्सचर बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का सॉफ्ट सा डो जैसा तैयार करना है और उससे ऐसे वड़े बनाने हैं। ये ऐसा थोड़ा स्टिकी टाइप का रहेगा और इसी तरह आप इससे सारे वड़े बना के रख लीजिए। फिर हम इनको डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसके तवे पर टिकिया जैसी भी सेक सकते हैं और चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको डीप फ्राई करके बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने सारे वड़े बना लिए हैं और अगर आपको लगता है कि ये इस तरह से अनइक्वल है तो एक थोड़ा सा पानी ऐसे हाथ में लीजिए और इसको इस तरह से कर दीजिए तो ये बिल्कुल फिनिश इसका एकदम सुंदर सा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है, चेक कर लेती हूँ और ये ऊपर आ रहा है, मतलब तेल गर्म हो गया है। मैं इसमें वड़े डाल दूँगी। बीच में आप थोड़ी सी गैस स्लो भी कर सकते हैं ताकि अच्छे से पक जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से इनको बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और इनको मैंने थोड़ा स्लो किया है, इसलिए अंदर से भी अच्छी तरह से पक गए होंगे। तो अब इस स्टेज पे मैं इनको निकाल लूँगी। इसी तरह आप सारे वड़े तल लीजिए। तैयार है आपके साबूदाने वड़े। फ्रेंड्स, इन साबूदाने वड़े को आप हरी चटनी, वो भी फलारी होती है, अगर उसमें आप सेंधा नमक डालो तो, और दही के साथ सर्व कीजिए और इनका मज़ा लीजिए। चाहे तो आप इमली की चटनी, खजूर की चटनी, वो भी साथ में खा सकते हैं।